सर ये मैटर क्या हुआ? मुझे इन्होंने बुलाया। मैनु इन्होंने तंजीम साजी बुलाया, तीन फोन इन्हें मैनु किते, जैसा कि पाकिस्तान का मुनाफिक झूठा मीडिया तलाल चौधरी को कल रात से बचाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि ये ड्यूटी असल में मरियम औरंगजेब साहिबा और PMLN की है कि वो अपने करतूतों पर अपने कारनामों पर पर्दा डाले, वो तो उनसे मुमकिन नहीं हो सका, तो उन्होंने सारा बर्डन मीडिया पर डाल दिया। जियो के सारे रिपोर्टर, दी न्यूज़ के रिपोर्टर इस वक्त सारे के सारे जो है लगे हुए कि तलाल चौधरी किसी तरह से बच जाए और इस मामले के ऊपर मिट्टी पै जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। खबर क्या चलाई गई? कल siyasat.pk ने खबर लगाई कि जनाब तलाल चौधरी साहब को कुट पड़ी है एक खातून MNA के भाइयों से। उसके बाद मजीद बहस होती है सोशल मीडिया पर कि नहीं, ये खातून MNA का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। उसके बाद नई स्टोरी आती है कि ये खातून MNA, इनका नाम है आयशा रजब अली, जो कि मुस्लिम लीग नून की MNA है, फैसलाबाद तानलिया वाले से उनका ताल्लुक है। ठीक हो गया, लेकिन हमारा मीडिया सोया हुआ था, सोशल मीडिया पर यह खबरें चल रही थी। फिर मर मर कर मीडिया ने यह खबर चलाना शुरू कर दी कि जनाब तलाल चौधरी साहब का एक्सीडेंट हुआ है और वो इस वक्त लाहौर के हॉस्पिटल में दाखिल है। हालांकि ऐसा नहीं था और माहौल बनाया जा रहा था, रिपोर्टर्स की ड्यूटियां लगा दी गई थी, मामले को दबाने की कोशिश करवाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और जो सच था वो सामने आ गया। अब आप लोग एक वीडियो देखें जिसके अंदर तलाल चौधरी के पास पुलिस वाले आते हैं, मोबाइल की वीडियो बनाते हुए उनके पास आते हैं कि जनाब अपना हाथ दिखाए। उसके बाद तलाल चौधरी साहब क्या कहते हैं, आप लोग वीडियो देखें और साथ में सुने। तलाल साहब इधर गए? ऑन है, ऑन है, चल दी भाई। चलो साहब जरा बाजू दिखाओ आपकी करके। सर ये मैटर क्या हुआ? मुझे इन्होंने बुलाया। एक मिनट, मेरी आखिरी लोकेशन इतने आ, इन्हें मेरा फोन फड़िया वा, इन्होंने मेरिया मूवियां बनाई वा, तुसी मेरे इन्हों इन्हों सारिया औरतों के नंबर लाओ, मैं इतने खड़ा वा, जिन्हों मर्जी बुलाओ। आओ जी कासम साहब, मैनू इन्होंने तंजीम साजी बुलाया, तीन फोन इन्हें मैनू किते, तीन जो मेरा फोन इतो लगेगा लग पता जाएगा, मैं तुम दसांगा। अपनी गड्डी मेरी बाजू टूटी है, SP साहब नु बुला लो, सुहेल चौधरी साहब नु कहो कि तलाल साहब जल्दी जनाब नु इत्थे पहुंचना पैना। तलाल चौधरी दा हुकम। हां जी सर, मसला बनया जरा हाई लेवल दा, ते जनाब नु इत्थे आना पैना सर। जी तो आपने इस वक्त दो वीडियोस देख ली है और वीडियोस भी है, बाद में देखेंगे। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, तलाल चौधरी के पास पुलिस वाला आता है, तलाल चौधरी की वीडियो बन रही होती है, वो अपना बाजू यूं करके पकड़े होते हैं, ठीक है, कि और बताते हैं कि मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। फिर कहते हैं कि मुझे तंजीम साजी के लिए आयशा रजब अली, जो कि मुस्लिम लीग नून की खातून MNA है, उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया और यहाँ पर इन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरा मोबाइल भी यहाँ पड़ा हुआ है, आप लोग लोकेशन वगैरह भी मेरी जो चेक कर सकते हैं। मतलब कि खुद अपने मुंह से ये मान रहे हैं कि मुझे बुलाया गया, जाहिर है बुलाया किसने होगा, आयशा ने ही बुलाया होगा कॉल करके, और वो कह रहे हैं कि इस घर की खातून के जो मोबाइल फ़ोन है वो लोग आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि मेरी वीडियोस इन लोगों ने बनाई, तो अब वो वीडियोस कौन सी है, मार खाते हुए वीडियोज़ हैं उनकी या कुछ और टाइप की वीडियोज़ है, तो तलाल चौधरी साहब ने इस चीज़ का भी इकरार कर लिया है। अब ये एक ट्वीट आप लोग चेक करें, ये जियो न्यूज़ का रिपोर्टर है जाहिद गशकूरी, बहुत ही बड़ा अजीम तरीन रिपोर्टर है, ठीक है, और अपने आप को बहुत ईमानदार बंदा, बहुत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर समझता है, ये पाकिस्तान के अच्छे रिपोर्टर्स में शुमार किया जाता है। इसका हाल देखिए, ट्वीट देखिए कि जनाब मेरी बात हो गई है आयशा से और उन्होंने मुझे बता दिया वो तो मेरा भाई है और ऐसा कोई मामला नहीं है। तो भाई ऐसा होता है, उसके घर से रात को बरामद होता है लेट नाइट और फिर उसको वहाँ पे कुटा जाता है, मारा जाता है। तो ये जियो न्यूज़ के टॉप तरीन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स का हाल है। अब एक और वीडियो मुलायजा कीजिए जिसमें तलाल चौधरी बता रहे पुलिस को कि ये उनके भाई है और मेरा मोबाइल यहाँ पर अंदर मौजूद है, इन्होंने भी मुझे मारा है, तो वीडियो आप लोग देखें ज़रा।
ਤਿੰਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਕੇ ਐਕਸਰੇਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਲੋਕ ਸਕਰੀਨ ਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਉਨਕਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕੀਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਕੇ ਤਮਾਮ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਤਮਾਮ ਜੋ ਇਨਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਤਮਾਮ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਬ ਆਇਸ਼ਾ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਝੇ ਹਰੈਸ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮੇਂ ਐਂਡ ਪਰ ਖਵਾਤੀਨ ਯਹੀ ਕਹਿ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਝੇ ਹਰੈਸ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਬਾਤ ਕੁਛ ਔਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ तो आयशा के घर से ये बरामद हुआ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान का मीडिया मुनाफिक लिबरल्स जाली लिबरल्स लंडे के लिबरल्स क्यों खामोश है खामोशी की वजह सिर्फ यही है कि पीएमएलएन की खातून है मामला दबा देना चाहिए। अच्छा इस मामले में मज़े की बात अभी तक ना आयशा रजब जिन जो खातून है जिसके घर से जो मुस्लिम लीग नून की खातून है मैंने है जिसके घर से तलाल चौधरी मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा बरामद हुए थे उन्होंने तलाल के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर या मुकदमा या दरख्वास्त दी है ना तलाल ने इनके ख़िलाफ़ दी है जिससे साफ जाहिर होता है कि ये मुकमका होने लगा है क्योंकि पार्टी का इमेज ख़राब होगा नवाज शरीफ साहब का इमेज ख़राब होगा खातून जाए भाड़ में वो बेचारी हरास हो रही है नहीं हो रही अलग मामला है वो ये होता कोई मौलवी कोई मजहबी बंदा या पीटीआई का कोई काउंसलर भी होता तो आज मीडिया का क्या हाल होता कितने प्रोग्राम्स होते हैं कितनी ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जाती लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ एयर वाई ने हिम्मत की और ख़बर चलाई उन लोगों को दाद देनी चाहिए बाकी आप मुनाफिक मीडिया पर ना जाए मामला आप लोगों के सामने आ चुका है आप ख़ुद ही मामला जज कर सकते हैं। रात को एक बंदा किसी औरत के घर जाता है फिर वहाँ पर उसको कुट पड़ती है तो उसके बाद क्यों कुट पड़ती है सब आप लोगों को पता है कोई आम बंदा नहीं है साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखला रह चुका है बहुत बड़ी सियासी जमात से इनका ताल्लुक है लेकिन इस मामले पर जो हैरेसमेंट का मामला है इसके ऊपर तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमें ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमें औरत मार्च वाले मरियम नवाज़ जितनी बड़ी आपकी ख़वातीन एंकर्स है वो जो अपने ऊपर जिनकी फेक न्यूज़ आप लोग पकड़ते हैं फिर वो हैरेसमेंट का केस आप पे कर देती हैं सब की सब इस मामले पर खामोश है क्योंकि औरत और मर्द दोनों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिए पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर ये मैटर क्या हुआ मुझे इन्होंने बुलाया मेरी आखिरी लोकेशन इतने इन्हने मेरा फोन फड़िया वा इन्होंने मेरिया मूवियां बनाईया वा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ ਆਓ ਜੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਿੰਨ ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਖੁਦ ਦਵਾਂਗਾ ਆਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਮੂਵੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਕੂਆ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਦਾਣਾ ਮਾਰਿਆ अपना यार अपना राय आफ्ताब साहब चेक करो यार।